फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि माइटर बैंड का लेआउट कैसे करना है और लेआउट करके जो है उसको कैसे बनाना है। तो उसमें जो है कमेंट आया है निसार अहमद जी, उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि डायरेक्ट मतलब पाइप में कैसे तो दो कट में कटिंग करके किस तरीके से माइटर बैंड बनाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टार्टिंग से बताएं, मतलब कि पहले हम शुरू करें एक कट से, फिर दो कट से, उसके बाद तीन कट में बनाए, फिर चार कट में बनाए, फिर पांच कट में बनाए। तो इससे क्या है, बाकी लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको जो है अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात डिग्री की, तो उसमें उन्होंने डिग्री बताया नहीं कि कितना डिग्री में बनाना है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे 45 डिग्री में यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कितना डिग्री में चाहिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, तो बेझिझक आप अभी कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मैं देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है 45 डिग्री में मैं सिंगल कट में माइटर कटिंग करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप का ओडी है हमारा 85 है। वो आप कहो कि 85 में आपने क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पे मैं इसका जो है पाइप बना रहा था तो 85 हो गया, तो मैंने 85 ही ले लिया, ठीक है। इसमें आपको इंच विंच का झंझट नहीं है, कितना इंच का पाइप है। अगर ये 89 पॉइंट समथिंग अगर होता तो ये 3 इंच का होता, लेकिन ये 3 इंच से थोड़ा कम है। वैसे अगर आपको पाइप का ओडी आईडी का चार्ट अगर आपको देखना है तो आप हमारे एफ फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें मैंने जो है चार्ट डाल के रखा हुआ है, ओके। और पुराने लोग अगर फिटर की पूरी जानकारी ऐप को यूज कर रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ऐप को आप जो है अपडेट एक बार जरूर कीजिएगा। उसमें अभी बहुत सारा कुछ जो है अभी मैं चेंज कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसको और मैं चेंज करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ओके। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओडी मतलब आउटर डायमीटर, ठीक है। ओडी आईडी डीएन एनबी, उसके बाद सीएफ पीसीडी, ये सब क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जानना है तो आप जो है देख सकते हैं उस वीडियो को, आपको जो है लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में क्लिक करके आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो चैनल में जाने के लिए सिंपली आप जो है यूट्यूब पे सर्च करें फिटर की पूरी जानकारी, और फिर वहां से आप वीडियो खोज के देख सकते हो, ओके। तो ओडी हमारा 85 mm, उसको मैंने यहाँ पे किया हाफ ओडी, मतलब कि ओडी का आधा। तो ओडी का आधा हम करते हैं तो हमारा आता है 42.5 mm, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिस फॉर्मूला से अभी हम बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ओडी इंटू 10 45 डिग्री डिवाइड नंबर ऑफ कट इंटू 2। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो हाफ ओडी के जगह हमने यहाँ पे लिया है 42.5 इंटू मतलब गुना, उसके बाद 10 45, यही वाला फॉर्मूला जो है वो हमने लिखा है। उसके बाद नंबर ऑफ कट जो है उसके जगह पे हमने यहाँ पे 1 रखा हुआ है, और फिर गुना ये वाला, और 2 के जगह पे 2 है, ओके। उसके बाद नीचे देखिए 42.5 सेम है, गुणा के जगह पे गुणा, उसके बाद 10 22.5 डिग्री। ये कहाँ से लाए, तो 10 45 डिवाइड 2, मतलब कि 10 को आप 10 ही रहने दीजिए और 45 डिवाइड 2 कर दीजिए, मतलब 45 को आप 2 भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ओके। उसके बाद जब आप दोनों को कैलकुलेटर में डालोगे मोबाइल में तो आपका आंसर आ जाएगा 17.60 mm। ये हो गया आपका कटबैक, और ये कटबैक 90 डिग्री में आता है, मतलब ये जो कटबैक होता है वो 90 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये पाइप ऐसे गोल रहता है, अब इसमें 90 डिग्री कहाँ पे आता है, तो पाइप अगर आप सामने से देखोगे मतलब इस तरीके से, ये देखिए, तो सामने से अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्लियर, सामने से अगर आप इसको देखोगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें 90 डिग्री कहाँ पे होता है, तो देखिए कहीं पे भी आप एक जीरो पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका सामने जो होगा मतलब ये पाइप का बिल्कुल जो अपोजिट होगा वो 0 डिग्री होगा, और उसी को अगर आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, मतलब यहाँ पे आप ऐसा एक सीधा लाइन दे दो, ठीक है, तो ये दोनों का 0 0 हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट 0, और इस पे अगर आप ऐसा एक क्रॉस लाइन देते हो तो ये दोनों 90 डिग्री का हो जाता है, ओके। और इसी के बीच में यहाँ पे 45 डिग्री आता है, फिर इधर से इसी के बीच में 45 डिग्री आ रहा है, और फिर यहाँ से भी इधर इसके बीच में 45 आ रहा है, और इसके बीच में 45 आ रहा है। ये आप समझ लो ये गोल पाइप है, पाइप का फेस है, कहीं से भी एक पॉइंट पकड़ो तो वो 0 0 हो गया, ठीक है। आप 90 डिग्री डायरेक्ट निकालने के लिए आप एक यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पूरा पाइप है, ठीक है, पूरा पाइप है, तो पूरा पाइप का हमारा डाई कितना है 85, तो यहाँ तक हमारा कितना होगा, तो
तो जाहिर सी बात है यहाँ तक आधा होगा, मतलब कि 42.5 होगा, ये 42.5 होगा और इधर भी आधा ही होगा, ठीक है। तो इधर का आधा, इधर का आधा, तो दोनों को अगर आप यहाँ पे, ये हो गया हमारा बेस जिसको आधार बोलते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं हम लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम कर्ण का डिस्टेंस निकालते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर्ण का डिस्टेंस है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से टेप पकड़ के यहाँ तक अगर आप मार दोगे, कैलकुलेटर में आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है ट्रायंगल सॉल्वर, उसमें आप डालोगे तो यहाँ का आपको जो भी वैल्यू है मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट टेप पकड़ के यहाँ तक मार सकते हो, तो वो डायरेक्ट 90 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ पाइप में, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ओके, अब इसमें हमें डायरेक्ट जो है 90 डिग्री का हमें मतलब लाइन मारना है, ठीक है, मतलब कि चार सेंटर लाइन में अगर हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इसको देख लीजिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए 42.5 इधर का है, है ना, और 42.5 इधर का है। तो दोनों का अगर आप जब इसको कैलकुलेटर में डाल के इसका जब आप कर्ण निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60.10, 60.10 आ जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेप लेना है ऐसे, और ये देखिए ये हमारा मार्किंग है ना, तो यहां से आपको टेप पकड़ना है इस मार्किंग पॉइंट से, और आपको देखना है कि 60 कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 60.10, देखिए इस पॉइंट से मैं पकड़ा हूं और 60.10 हमारा यहाँ पे आ रहा है। मैं तो मार नहीं सकता क्योंकि एक ही हाथ से मैं टेप पकड़ रहा हूँ, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे, है ना। मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 60.10 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब फिर क्या करते हैं, हम इसको 60.10 यहाँ से फिर से एक बार मार देते हैं। ये फ्रेंड्स ट्रिक है सेंटर लाइन डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ये सब ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 60.10, मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट मारता हूँ, ठीक है लगभग। उसके बाद फिर मैं इस पॉइंट से एक 60.10 मार देता हूँ, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे चार सेंटर लाइन यहाँ पे हो चुका है, और एक ये वाला, मतलब कि हमने चार यहाँ पे मार दिया, मतलब एक ये मार दिया हमने, ये वाला मार दिया है, ये वाला और एक ये वाला, चार हमने यहाँ पे सेंटर लाइन मार दिया, ठीक है। हमें बीच बीच का मारना है, तो बीच बीच का मारने के लिए आप यहाँ पे या तो आप जो है टेप से इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ जैसे आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे गोलाई में, मतलब पाइप में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको एक ठो, जैसे गोलाई में अगर आप चेक करते हो तो कितना आ रहा है, ये देखिए 60 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 61 एमएम आ रहा है, तो उसका आधा कितना हो गया 30.5। तो आपको क्या करना है 30.5 यहाँ पे आपको ऐसे मार देना है, ठीक है। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखिए पहले तो आपको पाइप का इस तरीके से लेआउट करना है, पाइप का ओडी का, तो पाइप का ओडी कितना है 85 mm, ठीक है, तो उसका आपको हाफ ले लेना है, मतलब कि यहाँ पे आपको डिवाइडर में सेट कर लेना है 42.5, ठीक है, ये हो गया 42.5, और आपको ऐसे यहाँ पे मार देना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे पाइप का लेआउट कर दिया है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है नीचे में ही 8 सेंटर लाइन में डिवाइड करना है। तो 8 सेंटर लाइन में डिवाइड करने के लिए सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लाइन डोरी मार दीजिए इधर से, ओके। तो यहाँ पे दो हो गया हमारा, अब इधर भी दो करना है, तो सिंपली यहाँ पे टेप से मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 60 mm मार रहा था हमारा, तो यहाँ पे मैं 60 mm पकड़ता हूँ, तो यहाँ आ रहा है 60 mm, ठीक है, और इधर से भी मैं 60 mm ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 60 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास चार ठो हो गया, ओके। अब हमें बीच बीच में भी एक करना है, तो इसका बीच बीच में आप करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये 60 है तो इसका आधा आ रहा है 30 mm, ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार देना है इधर, और सेम इधर भी आप यहाँ पे 30 मार दे, ओके। और फिर ऐसे लाइन डोरी आप पकड़ के इसको यहाँ तक मिला दीजिए इधर और इधर, ओके, और सेम इधर भी ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने इसको जो है यहाँ पे 8 सेंटर लाइन में डिवाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पाइप अगर आपके पास छोटा है तो आपको इस पे ऐसे रख देना है लेआउट पे, ठीक है, ऐसे रख देना है, और आपको क्या करना है,
मैं बाहर से दिखाता हूं आपको, ठीक है। और आपको क्या करना है इसमें, अब ऐसे पॉइंट मार देना है, ऐसे जैसे एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मार दिया हमने, एक यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मार दिया हमने। अब इधर से दिखाता हूँ मैं, जैसे एक यहाँ पे है तो यहाँ पे मार दिया हमने, यहाँ पे मार दिया, थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पे है एक, एक यहाँ पे है और इधर का यहाँ पे है, ओके, और इधर का हमारा यहाँ पे है, ओके। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको जो है 8 सेंटर लाइन में बड़े ही आसानी से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। टेप से करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन ऐसे करने में थोड़ा परेशानी कम होती है, जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सभी को मिला देता हूँ। आपको मिलाने के लिए यहाँ पे लाइन डोरी यूज करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमने इसमें जो है यहाँ पे 8 सेंटर लाइन इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें मैं कौन सा लाइन कितना डिग्री का वो मैं लिख देता हूँ। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली इसका यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ इस पे, है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4590। तो इसी पे मैं रख के यहाँ पे लिखता हूँ करके, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया 0 डिग्री का, ओके। उसके बाद ये वाला हो गया 45 डिग्री का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जो इसके सेंटर में आ रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 45, तो ये है 45 का, ओके। और उसके बाद है फिर 0 का, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। और उसके बाद है फिर से 45, तो यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया। और फिर है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख दिया। और फिर है 45, तो यहाँ पे 45 लिख दिया। और फिर लास्ट हमारा ये 0 आ गया, जो कि 0 है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसमें सभी पे जो है डिग्री लिख दिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे फाइनल कटिंग का। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जहां पे भी आपको कटिंग करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको कटिंग करके बैंड बनाना है, या यहाँ बनाना है, जहां भी बनाना है वहां पे आपको पाइप में गोल पूरा जो है लाइनिंग खींच लेना है। तो पाइप में गोल लाइन खींचने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यहां से आप टेप पकड़िए, ठीक है। अगर आपको सेंटर में करना है तो सेंटर में ले लीजिए, जहां भी करना है आप वहां पे ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 100 पे कर देता हूँ, 100 mm पे। तो यहाँ से टेप पकड़ के 100 पे मार दिया, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ के एक यहाँ पे मैं मारता हूँ, उसके बाद 100 हो गया, और ये 100 हो गया हमारा, और फिर ये 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद सभी को मिला देना है। तो मिलाने के लिए आप यहाँ पे जो है एक मार्किंग पट्टी आता है, उसको आप यहाँ पे लेके इसको मिला सकते हो। तो यहाँ पे मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने जो है इसके सेंटर में इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया, ओके। अब फाइनल बारी आती है इसमें कटबैक मार्किंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका थ्योरी यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि आपको क्लियर और भी हो जाए अच्छे से। ये मान लीजिए आपके पास ऐसा पाइप है, गोल पाइप, ओके। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री वाला है, तो ये भी 0 का है, ओके। इसका बीच बीच में एक लाइन है ना। उसके बाद एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। एक अंदर का लाइन है और इधर का लाइन है, ठीक है। ये हो गया हमारा पाइप, मतलब कि अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि किसी भी चीज को फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से या साइड व्यू से कैसे देखना है। अगर आपको सीखना है तो आप जो है वीडियो को जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री का हो गया, ये भी 0 डिग्री का, और ये वाला जो है ये है 90 डिग्री का हो गया हमारा, ओके। ये वाला 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का, ओके। और सेम अंदर का भी, ये 45 का, ये 90 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। तो इसमें जब आप मार्किंग करोगे, अभी देखिए हमने यहाँ पे 100 mm का इस तरीके से गोल हमने यहाँ पे लाइन अभी खींच लिया है, मतलब ये वाला देखिए, ये हमने यहाँ पे अभी ये जो 100 है ये वाला खींचा, मतलब इधर से हमने अभी 100 mm लिया हुआ है, ओके। तो इसमें देखिए मार्किंग आपको इस तरीके से करना है, जैसे कि पहले 0 डिग्री है, तो मार्किंग आपका जो है इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है, ऐसे, तभी आपका जो कटिंग है वो बराबर होगा, है ना। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं मार्किंग। देखिए यहाँ पे मैं कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें 90 डिग्री लिखना चाहिए था, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर का लाइन 90 डिग्री का रहेगा, ये वाला 45 डिग्री का, ये वाला 0 डिग्री का,
और ये वाला 45 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये वाला गलत है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारा कटबैक ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा किस में आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो खुद 90 डिग्री का जो कटबैक है उसमें हमारा ज्यादा आया था, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा है तो ये 90 डिग्री का होगा, थोड़ा सा कम है तो ये 45 डिग्री का होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टच है लाइन से, तो यहाँ पे 0 डिग्री का होगा, है ना। तो चलिए अब मैं एक एक करके यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा मार्किंग कितना है, 90 डिग्री वाला है, मतलब ये वाला, तो ये वाला करते हैं। तो 90 डिग्री का हम देखते हैं कहाँ पे है, ये है देखिए 90 डिग्री का, और 90 डिग्री हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए है 17.60 mm, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का मार देता हूँ 17.60 mm, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे मार देता हूँ 17.60 mm, देखिए इधर आ गया हमारा मार्किंग, ओके, मतलब कि ये वाला मार्किंग है ना, ये हमारा लाइन है, इधर से हमने 17 mm मार दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.44, जो कि लाइन के उधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे मैं, ये देखिए पहला 90 डिग्री का है, उसके बाद 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का कितना है 12.44, तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 12.44, ये देखिए यहाँ पे 12.44 है, ओके। उसके बाद यहाँ पे है 0 डिग्री, ये वाला देखिए बिल्कुल लाइन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल लाइन पे ही रख देना है। उसके बाद जब आप नीचे आ रहे हो तो अब लाइन के इधर आ रहा है, पहले तो लाइन के उस साइड में मार्किंग आ रहा था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे नीचे मतलब आ रहे हैं तो लाइन के अब इस तरफ आ रहा है। तो चलिए देखिए ये 90 का है, ये 45 का है, ये 0 का, और जैसे हम नीचे आए तो अब मार्किंग इधर लेना पड़ेगा, तो इधर हमारा कितना है, ये देखिए 45 का, मतलब 45 का कितना 12.44, तो यहाँ पे मारता हूँ 12.44, ओके, ये हो गया 12.44। और उसके बाद है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का हमारा ये है, सॉरी ये वाला 17.60, तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 17.60, ओके। और उसके बाद फिर हमारा है कितना, उसके बाद है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं मार देता हूँ 45, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले आप इतना जो है मिला लें, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए मिलाने के लिए यहाँ पे आपको पट्टी ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, आपको मिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पट्टी को ऐसे टेपर करके रखना है, ठीक है, ये बात आपको खास ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपका जो है बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आपको पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसे, मतलब ये मार्किंग आपका जो है राउंड होना चाहिए, सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। अभी आप सीधा मार दोगे ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको टेपर में रखना है, जैसे इस तरीके से, आप पट्टी लगाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, देखिए इस टाइप का आपका टेपर में आना चाहिए मार्किंग। सेम इसको भी ऐसे रखना है, इधर से ऐसा मारना है टेपर, उधर से नहीं, इधर से, ठीक है, इधर का हो गया और पहले का ही हमारा सही था, ओके, ऐसे। और उसके बाद इसको इधर से मारना है ऐसा, देखिए टेपर कैसे दिख रहा है ये, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए अभी टेपर में, इसको अगर हम सीधा करेंगे तो देखिए सीधा में कहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं सीधा में इतना बच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेपर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ऐसे टेपर लेना है, सीधा बिल्कुल भी नहीं मारना है, नहीं तो फिर वो बनेगा ही नहीं, आपका सभी में गैप आ जाएगा, ओके। देखिए हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, है ना, एक साइड का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये मार्किंग हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। अब ये इधर आ गया तो फिर इधर आएगा, अब इधर थोड़ी ना आ जाएगा, इधर ही आएगा, तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का है हमारा 12.44, तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 12.44, ओके। और उसके बाद फिर है यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, तो 0 का तो 0 ही आएगा भाई, ठीक है, इसको पहले मैं मिलाता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, तो इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ यहाँ पे,
ओके, और एक जीरो वाला भी मिला देता हूँ, है ना। तो जब यहाँ पे लाइन टच कर रहा है, मतलब जीरो पे जैसे ही टच करेगा, आपको ये बात याद रखना है, ये ट्रिक है कि जीरो में जैसे ही टच करेगा उसके बाद जो है ये चेंज हो जाएगा इसका डायरेक्शन। मतलब अभी इधर से मार्किंग होके आ रहा था, जैसे जीरो में आया तो अब ये इधर से मार्किंग होके आएगा। तो अब यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे मैंने मार दिया 12 mm का 45 डिग्री के लिए, और यहाँ पे 90 हमारा मारा हुआ है। चलिए नीचे देखते हैं, तो देखिए पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है मार्किंग। इसको मैं मिला देता हूँ सभी को, ठीक है। तो मार्किंग हमारा बिल्कुल जो है फाइनल हो चुका है। अब फाइनली हम इसका जो है कटिंग करते हैं, तो फाइनली अब इसका जो है हम कटिंग करते हैं। हाँ, कटिंग आपको ये वाला करना है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे कटवेग मार्किंग किया, ये आपको ये वाला कटिंग नहीं करना है, ये वाला है ना, ये जो सेंटर लाइन आपने जो सीधा लाइन जो मारा था, ये वाला आपको कटिंग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्रॉस क्रॉस डाल दिया हूँ, आपको भी ऐसे ही क्रॉस डाल देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है इसको कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो वो मिस्टेक आप ना करो। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे आप कटिंग कर दोगे फाइनल, तो यहाँ पे आपको ये वाला डिग्री जो है दोनों पीस में लिखना है। मतलब कटिंग होके तो ये अलग हो जाएगा और फिर आपको मिलाने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से जो भी चाहे मार्किंग यहाँ पे करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें भी 90 लिख देता हूँ, और ये वाला भी 45 है तो 45 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम ये वाला है, इधर जीरो है तो इधर भी जीरो लिखता हूँ, 45 है तो 45 लिखता हूँ, और फिर इधर ये 90 है तो 90 लिखता हूँ, ओके। और फिर ये वाला 45 का है, और फिर जीरो और 45, जीरो 45, ओके। मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि कटिंग होने के बाद जो है, ये देखिए अब ये 90-90 दोनों अभी सेम है, तो ये मिलने के बाद भी 90 ही दोनों आएगा। जैसे इसको जब आप ऐसे मिलाओगे घुमा के इसको, तो ये देखिए ये 90 में आ रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये बिल्कुल जो है 45 डिग्री में बैंड ये बन रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मिला देता हूँ, फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे जो है इसको मिला दिया है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल 45 डिग्री में ये बैंड बन चुका है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप भी जो है बेझिझक इस फॉर्मूले से और इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हो तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में न आया हो या अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।